अगर आप लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन किसी बंदे से खरीदते हो या फिर YouTube चैनल लेते हो तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे YouTube पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे ऑनलाइन किसी से चैनल परचेस किए थे जो कि 900 सब्सक्राइबर कुछ सारे 15,000 में लिया था और जो कि 10,000 में लिया था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, नहीं ऐसे क्रिएटर हैं जो कि ऑनलाइन चैनल को परचेस किए हैं, ऑनलाइन चैनल लिए हैं, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। चैनल लेने के बाद उन्होंने क्या कर रहा है कि मैनेजर बना देता है, कोई कोई ओनर बना देता है और बाद में क्या करता है रिमूव कर देता है या फिर बाय मिस्टेक उन लोग खुद से रिमूव कर देते हैं ब्रांड अकाउंट बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन चैनल परचेस करते हो या फिर ऑनलाइन चैनल लेना चाहते हो तो आपको करना क्या भाई, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोग को इन फ्यूचर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कभी भी आपको कोई ऐसा मतलब कि बेवकूफ ना बनाए। ठीक है, तो सिंपल सा करना है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव ग्रुप में दिखाता हूँ कि यहाँ पे भाई ने यहाँ पे मैसेज किया था जो कि भाई का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। कौन सा भाई मतलब यहाँ पे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, मेरे को मैसेज किया था कि भाई मैंने ऑनलाइन चैनल खरीदा है लेकिन यहाँ पे इस कुछ यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जो कि भाई यहाँ पे चैनल लिया था, इसका यहाँ पे आप मैसेज भी पढ़ सकते हो जो कि भाई ने यहाँ पे मतलब ब्रांड अकाउंट बना रहा था उसका उसी टाइम मतलब क्या किया रिमूव कर दिया चैनल को, जिससे ब्रांड अकाउंट बनाने टाइम इन्वायरमेंट टाइम मतलब चैनल को जब भी ट्रांसफर करते ब्रांड अकाउंट में तो उस टाइम रिमूव करना पड़ता है, उस टाइम यहाँ पे रिमूव कर दिया भाई ने, तो उस वजह से क्या हुआ कि चैनल वहाँ से हट गया। लेकिन यूट्यूब पे जो चैनल है वो चैनल वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसका चैनल से जो मतलब जीवन से उसका चैनल यहाँ पे हट गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट रिमूव हो गया और भाई मतलब इस दो मतलब जीमेल में आईडी में थे, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब गलती से मैंने रिमूव कर दिया आईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूछा कि कितने सब्सक्राइबर तक कितना पैसा दिया, भाई यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या इसके साथ कि भाई ने चैनल को मतलब ऑनलाइन परचेस किया था, मतलब किसी बंदे से मतलब चैनल लिया था, उन लोगों को किया क्या कि चैनल मतलब दे दिया, जीमेल दे दिया उसको। ठीक है, लेकिन क्या किया कि मैनेजर या फिर ओनर बना के सिर्फ दे दिया, प्रीमियम ओनर बना के नहीं दिया। ठीक है, तो आपको कैसे पता करना है कि क्या प्रीमियम ओनर है या फिर ओनर है या फिर मैनेजर है, कैसे आप पता करेंगे एंड चैनल लेने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन चैनल परचेस किए हो तो सिंपल आपको करना क्या कि आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और अपने चैनल पे जाना है, मतलब कि चैनल का लोगो पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूआर चैनल का या फिर यूट्यूब स्टूडियो का, सिंपल से वहाँ पे जाना है, कस्टमाइज चैनल पे जाना है, नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग का ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा मतलब परमिशन या फिर कुछ इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको मिलेगा परमिशन का ऑप्शन। ठीक है, तो परमिशन वाले ऑप्शन पे जाना है, मैनेज परमिशन पे जाना है, वहाँ पे अपना पासवर्ड आईडी डाल लेना है, डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने मिलेगा जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऑनलाइन चैनल परचेस करना चाहते हो, ऑनलाइन चैनल लेना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो मेरा जीमेल है इस चैनल का, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इस जीमेल पे सिर्फ मैनेजर बनाया हुआ, ठीक है, ओनर नहीं बनाया, प्रीमियम प्राइमरी ओनर यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो नीचे वाला चैनल है वो मेरा मैनेजर है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप जो चैनल मतलब आप यूज कर रहे हो क्या आप ब्रांड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रीमियम ओनर मतलब कि ट्रांसफर करने का ऑप्शन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, और यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन तो समझ लो आपका चैनल रियल है, और यहाँ पे प्रीमियम ओनर जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, और प्रीमियम ओनर का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो समझ लो कि आपका चैनल फालतू है, यानी कि आपका सिर्फ मैनेजर बना के या फिर ओनर बना के आपको सिर्फ जीमेल में मतलब कि आपको चैनल दे दिया है, आपको प्रीमियम ओनर मतलब कि जो ओनर होता है मेन जो चैनल का वो आपको यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, तो इस चैनल पे यहाँ पे देखोगे इसका नीचे वाला जो है यहाँ पे मैनेजर है और इसका जो मेन मालिक जो होता है, जिससे कि मतलब कोई मतलब कोई दुकान होता है उसमें जो मालिक होता है उसके नीचे यहाँ पे मैनेजर लोग काम करते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें यूट्यूब पे भी उसी तरह से होता है जीमेल पे, यहाँ पे कोई ओनर जो होता है ना जो मतलब मालिक जो होता है वो प्राइमरी ओनर होता है, और ओनर जो होता है कि मतलब मालिक से नीचे थोड़ा जो काम करते हैं वो मतलब ओनर होता है, उसका यहाँ पे मैनेजर होता है जो कि उसके नीचे भी यहाँ पे काम करते हैं, तो यूट्यूब पे इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको देखना कि सिलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे आपको प्रीमियम ओनर का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लो आपका जीमेल सही है, मतलब कि आपका चैनल सही है, ओनर का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लो आपका चैनल सिर्फ ओनर बना के आने के आपको इनवाइट करके आपको दे दिया है कि आप सिर्फ चैनल को यूज कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, वीडियो मतलब कुछ भी कर सकते हो लेकिन चैनल को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखना आपको कि यहाँ पे प्रीमियम ओनर का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लो आपका चैनल सही है, और मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लो आपका चैनल कोई काम का नहीं, सिर्फ उस चैनल में आप सिर्फ काम कर सकते हो, बाकी उस चैनल में आप कुछ भी हैंडल मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोग ऑनलाइन चैनल लेते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि चैनल ले लेते हैं कुछ दिन, 4-5 दिन 10 दिन 1-2 महीना चलाते हैं, उसके बाद क्या करता है चैनल जो मतलब बेचता है वो क्या करता है वहां से रिमूव कर देता है, रिमूव करने के बाद उसका जीवन से चैनल हट जाएगा,
बाद में बोलेगा भाई मेरा तुम्हारा चैनल क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, आपका चैनल में जो था वो मतलब दिया था आपको, आपने क्या किया मेरे को पता नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन में देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा था जो कि मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे। भाई मैं आपको सोचा कि यहाँ पे चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं कि मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ऑनलाइन जो है चैनल परचेस करते हैं, ऑनलाइन चैनल लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो सिंपल जाके वहाँ पे फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो।